हाँ इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। कहता है कि एक पोटेंशियल मीटर सेटअप है, द क्वेश्चन यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है पोटेंशियल मीटर का, और इसमें कहता है कि 1 एम्पियर करेंट फ्लो व्हेन द टू की इज ऑफ, बोथ की आर ऑफ, अगर दोनों की ऑफ है ठीक है, तो इस वाले सर्किट में ये अगर ये ऑफ है तो यहाँ से 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है, इसमें इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। एक ब्रांच में करंट हमेशा सेम होता है, तो अगर इसमें 1 एम्पियर है तो इस वाले में 1 एम्पियर है, तो यही ब्रांच यहाँ तक आया है तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। चलो व्हेन टू की, व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल, व्हेन द बैलेंसिंग पॉइंट ऑन द की 1 एंड 2, 1 और 2 को कनेक्ट करो, देखो कनेक्ट फर्स्ट 1 एंड 2, तो 1 अगर 2 को मैं कनेक्ट कर दिया, 1 एंड 2 आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है, तो उसमें बैलेंसिंग लेंथ L1 मिला। अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 मिलता है तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं डेटा, यहां से बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल गया जब फर्स्ट और सेकंड ये कैलकुलेट हुए थे, तो अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल गया तो यहां से अगर मैं देखूँ तो ये हम सबको बताया गया, अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, और भी इज इक्वल टू IR एंड प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट K और लेंथ L1, ठीक है, कि क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो ये हम सबको पता है। तो यहाँ से करंट 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू KL1, तो R की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी KL1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रेजिस्टेंस यही R की और X की वैल्यू पूछ रहा है, तो R की वैल्यू R की वैल्यू जो है वो KL1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, 50-50% आ गया हम लोगों का। अब चलो जब हम कनेक्ट करेंगे दूसरा वाला स्विच, इसको 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 अब हम 1 और 3 को कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट 1 एंड 3, 1 और 3 को कनेक्ट करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं ये, ठीक है, ये हमारा ऑफ कर देते हैं इसको, तो अगर तुम देखोगे इसको ऑफ करने के बाद, इसको मैं, तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, चलो इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, एक मिनट, हाँ इसको मैं ऑफ कर दिया और ये यहाँ से मैं कनेक्शन कर दिया, तो अब जब कनेक्ट कर दिया तो ये जो 1 एम्पियर करंट, ये दोनों रेजिस्टेंस इस लोअर सर्किट के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो अब सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है यार, ठीक है, सिंपल तुम ऐसे पोटेंशियोमीटर बनाते हो, स्टैंडर्ड सेल रियो स्टेट, ठीक है, और ये प्लस माइनस ई नॉट प्राइमरी सर्किट ऐसे होता है, और ये अपना सेकेंडरी सर्किट है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा, गैल्वेनोमीटर जी, तो ये जो लोअर वाली पार्ट है सेकेंडरी सर्किट, दिस इज द सेकेंडरी सर्किट, और इसमें 2 रेजिस्टेंस है, एक एक्स है और एक आर है, तो अगर ये लोअर सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है तो अगेन अगर मैं इसको यूज करूँगा तो अगेन आर प्लस एक्स नेट रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो आई नेट रेजिस्टेंस आई डैट के एंड बैलेंसिंग लेंथ L2, तो फाइनली ये आई की वैल्यू 1 एम्पियर है एंड आर प्लस एक्स दैट इज के L2, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, और R की वैल्यू यहाँ से निकाल के KL1 प्लस X इज इक्वल टू KL2, तो X की वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स L2 माइनस L1, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज K टाइम्स L2 माइनस L1, दैट इज ये ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये इस सर्किट से डरो नहीं, ये ऊपर का जो सर्किट है यहाँ से ये वाला वो एक प्राइमरी सर्किट है, बाकी ये जो है वो सेकेंडरी सर्किट है, ये लोअर